डॉक्टर नीता योगेंद्र पहाड़िया, ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। मैं चंबल रीजन से निकलने वाली देश की पहली महिला चित्रकार हूँ। फर्स्ट टाइम कोई महिला जो पूरे ऑल ओवर इंडिया में काम कर रही है, मैं उनमें से हूँ। और हम सब कलाकारों ने मिलकर देश के जो बहुत सारे राज्यों के कलाकार यहाँ मिलकर उन्होंने यह काम मन लगाया हुआ है। और इसका हमारा 19 से लेकर 23 तारीख तक ये इसका पूरा प्रदर्शन रहेगा। विभिन्न देश के राज्यों से चित्रकार यहाँ आए हुए हैं, काफ़ी बड़े कलाकार हैं, सीनियर कलाकार हैं, और उनको कलाकार सच में बहुत गहरा अनुभव है। उन्होंने जीवन निकाल दिया, कितने रिटायर्ड हो गए सबके सब ऐसे सीनियर, मतलब अनुभवी जैसे कहते हैं मूर्धन्य लोग हैं, कला के मूर्धन्य लोग हैं। उन्होंने मिलकर एक ग्रुप शो बड़ा अच्छा किया है, तो सोचा चलो हिमाचल में हम जाके, इस समय सीज़न है, यहाँ बहुत टूरिस्ट है ऑल ओवर इंडिया का, इनफैक्ट कहीं बाहर से भी टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उन सबको कला के बारे में जानकारी मिले कि कला क्या है, वो कला को जाने और समझे। और जो है ना यूथ बहुत जो मोबाइल लैपटॉप और कैलेंडर वैलेंडर पोस्टर ये पिक्चर इन दुनिया से हटके वो एक्चुअल आर्ट में आए और हमारे देश को, इतिहास को, कला को, संस्कृति को जाने, इसलिए हम लोग ने प्रयास किया और हम लोग यहाँ आए। आज इस गेटी थिएटर में आर्टिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया ने अपना एक चित्रों की प्रदर्शनी रखी है और जिसको उद्घाटित किया है। मैं ये कह सकता हूँ कि गेटी थिएटर एक नाम तो थिएटर है, लेकिन इस एक भवन में अनेक काम हो रहे हैं। कहीं मंचन भी हो रहा है, तो नीचे आर्ट गैलरी भी बनी हुई है और इस आर्ट गैलरी में लोगों ने अपने चित्रों की प्रदर्शनी भी किया है। ये अद्भुत भवन है जो मैं समझता हूँ कि संपूर्ण भारत को हिमाचल की तरफ आकर्षित करता है। और कला एक ऐसे भाषा है, ऐसा भाव है कि जो संपूर्ण का प्रदर्शन भी करती है, कलाकार उसका माध्यम होता है। मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कलाकारों ने गेटी को अपना और नाम दे दिया है और आगे भी देते रहेंगे। और गेटी केवल हिमाचल का अब नहीं रह गया है, बल्कि पूरे भारत का हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।